الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم مير محترم عزيز شغل خريك براء جام كاهو تاهي और आपस में इंसानों का इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है माशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है आज मैं आपके सामने इसके बारे में कुछ पेश करना चाहता हूँ सबसे पहले तो खुद कुरान करीम ने इसकी मजम्मत और बुराई यूँ बयान करी कि खराबी है गिबत करने वालों की और ताना देने वालों की कि जो शख्स किसी की गिबत करता है कुरान करीम के अंदर इर्शाद है कि वो ऐसा है जैसे मुर्दार भाई का गोश खाने वाला और यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि गीबत कहते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी शख्स के अंदर कोई बुराई पाई जाती है उसके पीठ पीछे किसी दूसरे से बयान करना और अगर वो बुराई नहीं पाई जाती और फिर वो बात किसी से कही जाए तो वो तोहमत कहलाती है उसकी भी वहीद अलग से कुर करीम के अंदर आई है बहाना अलिबत से भी मना किया गया है नबी करीम अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के बंदों के अंदर बदतरीन शख्स वो है जो खोरी करे और दूसरों के दरमियान फसाद डाले और बेगुना लोगों के अंदर अब तलाश करे नबी करीम सल्ला वसलम का इर्शाद है कि तुम मुसलमानों की गीबत मत किया करो और उनके अयूब को तलाश मत करो क्योंकि जो शख्स उनके अयूब तलाश करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऐप तलाश करने लगता है और जिस शख्स के अल्लाह ताला तब तलाश कर ले तो उसको उसी के घर के अंदर रसवा कर देता है तो मेरे मोहतरम आजीज़ हो कुर करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में वहीद ये आई है कि अल्लाह ऐसे लोगों को खतमा के अंदर झोंक देगा और तुम क्या समझते हो कि खतमा क्या है मुफसर ने लिखा है कि खतमा ऐसी आग है जहन्नम की जो रोन देने वाली है तोड़ फोड़ कर देने वाली है मैं आपके सामने एक वाक़ पेश करता हूँ हज़रत मामून का कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि जिंदगी गुलाम मुर्दार है और कोई शख्स उनको ख़िताब करके कह रहा है कि इसका गोश्त खाओ उन्होंने कहा कि मैं क्यों खाऊँ इसका गोश्त तो उस शख्स ने कहा कि क्या तुमने फला शख्स की गीबत नहीं करी थी तो वो बोले कि मैंने तो उसके बारे में कोई बुरा अच्छा अल्फाज ही नहीं बोला तो कहा कि ठीक है तुमने नहीं बोला लेकिन उसके बारे में जब गीबत हो रही थी तो तुम सुन तो रहे थे तो हजरत मामून उसके बाद इस बात का लिहाज करने लगे कि अपनी मजलिस के अंदर ना तो किसी को गीबत करने देते और ना खुद किसी की गीबत करते क्योंकि गीबत करना ये गुना तो है ही हराम है लेकिन गीबत सुनने वाला भी ऐसा ही है नबी करीम अलैहि वसल्लम का इरशाद है गीबत ये ज़िना से ज़्यादा सख्त है साहबा इक्राम तआला तली मजमाइन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कैसे फरमाया कि जिना से तो इंसान तोबा कर लेता है उसकी तोबा कबूल हो जाती है लेकिन गीबत ऐसी है कि जब तक उस शख़्स से माफ़ी न मांगी जाए जिसकी गीबत की जा रही थी उस वक्त तक वो माफ़ ही नहीं होती है मुफसरीन ने लिखा है कि जिस शख्स की अबत की जा रही थी अगर वो मर जाए उसकी माफ़ी का कफ़ारे का तरीका ये है हदीस से साबित है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए दुआ मफ़रत करे और अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह मेरे और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे शब मराज की हदीस के अंदर है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम शब माज को जब गए ऐसी कौम के ऊपर आपका गुज़र हुआ कि जिसके नाखून तांबे के थे और वह अपने चेहरों और बदन के गोश को नोच रहे थे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते से दरियाफ़त किया कि ये कौन लोग हैं तो फरमाया कि ये गीबत करने वाले और दूसरों की आबरू रेज़ी करने वाले हैं तो मेरे मोहतना माजीज़ों कुरान हदीस के अंदर जो ये सख्त वहीद आई है चगुल खोरी और गीबत की इससे हमें मालूम होता है कि इसका बुरा अंजाम कैसा है जैसे सूर हमजा के अंदर है कि ये लोग ऐसी आग के अंदर झोंके जाएंगे जो रोन देने वाली होगी तोड़ फोड़ कर देने वाली होगी और वो अल्लाह की भड़काई भी होगी जो दिलों तक पहुंच जाएगी मुबसरिन ने लिखा है हालाँकि हर आग की खसूसियत होती है कि अगर वो किसी चीज़ को जलाती है तो सभी चीज़ें उसकी ज़द के अंदर आ जाती हैं लेकिन फ़र्क ये है जहन्नम की आग का और दुनिया की आग का कि जब दुनिया की आग जलाती है तो पहुंचती तो वो भी दिल तक है अगर जलाए यानी दिल तक पहुंचने से पहले पहले इंसान की जान निकल जाती है लेकिन आखिरत के अंदर जो जहन्नम की आग होगी क्योंकि वहाँ पर मौत आनी नहीं तो वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी हयात के अंदर ही अपने आप को अपने दिल को खुद जलता हुआ देखेगा और उसकी तकलीफ़ महसूस करेगा क्योंकि ये मालूम है कि जहन्नम के अंदर जब आजाब होगा लोग मौत मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत की तो खुद मौत आ चुकी होगी तमाम तकलीफ अपनी हयात के अंदर महसूस करेंगे और दुनिया के अंदर तो ये होता है कि जब तकलीफ़ अपनी हद से आगे बढ़ जाती है तो इंसान की रूह निकल कर उसको उस तकलीफ़ से निजात दे देती है तो कुरान करीम के अंदर इर्शाद है कि वो ऐसी ख़तरनाक आग है कि जो दिलों तक पहुंच जाएगी और ये लोग उसके अंदर बंद कर दिए जाएंगे यानी लंबे-लंबे आग के सुतूनों के अंदर अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए और सही समझ की तौफीक अता फ़रमाए आखिर दोस्तों अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें शुक्रिया